हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित और भी मजेदार उदाहरण देखेंगे। बाजार में आजकल बहुत सुंदर और अनोखे आकारों की टाइलें उपलब्ध हो गई हैं। सभी लोग अपने अपने घरों को टाइलों से सजा रहे हैं। बब्बन ने अपना घर सजाने के लिए इस आकार की टाइलें खरीदी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस आकार की एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? आप वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। इस टाइल का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हम इस आकार को वर्गों और आयत में बांट सकते हैं। इस तरह इस टाइल का क्षेत्रफल हो गया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं इन टाइलों से अपनी दीवार को सजा सकता हूँ, बब्बन ने सोचा। बब्बन ने अपनी दीवार को इन टाइलों से इस तरह से सजाना शुरू कर दिया। कुछ टाइलें लगाने के बाद बब्बन थक कर सो गया। अगर बब्बन ने अब तक इस तरह से टाइलें लगाई हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन द्वारा लगाई गई टाइलें कितना क्षेत्रफल ढक रही हैं? इसका उत्तर ढूंढने के लिए आइए पहले हम ये पता लगाएं कि बब्बन ने अब तक कितनी टाइलें इस्तेमाल की हैं। बच्चों, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? जी हाँ, बब्बन ने अब तक 6 टाइलें इस्तेमाल की हैं। अब ये बहुत आसान है। कुल क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हमें केवल एक टाइल के क्षेत्रफल को कुल टाइलों की संख्या से गुणा करना होगा। इस तरह टाइलों द्वारा ढके क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल होगा 200 × 6 = 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। बब्बन ने सुबह उठकर अपनी पूरी दीवार को टाइलों से सजा लिया, लेकिन बब्बन की पत्नी बन्नो बंदरिया को उन टाइलों का डिजाइन पसंद नहीं आया। बब्बन जी, मुझे इन टाइलों का डिजाइन पसंद नहीं आया, क्यों ना हम हमारे कमरे में किसी और डिजाइन की टाइलें लगाएं? बन्नो बंदरिया ने बब्बन से कहा। बब्बन इस बार बन्नो बंदरिया के साथ उनके कमरे की टाइलें खरीदने मार्केट आया है। बब्बन जी, मुझे इस डिजाइन की टाइल बहुत पसंद आई। बन्नो ने इस डिजाइन की टाइल की ओर इशारा करते हुए बब्बन से कहा। बब्बन ने तुरंत उस डिजाइन की टाइलें खरीद ली और बन्नो और बब्बन अपने घर लौट आए। घर लौटने पर बन्नो ने बब्बन से कहा, बब्बन जी, आप थक गए होंगे, क्यों ना मैं ही इन टाइलों से हमारे कमरे की दीवार सजा लूं? ये कहकर बन्नो उनके कमरे की दीवार सजाने लगी। बन्नो ने इस तरह से पूरी दीवार सजा ली। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस दीवार का क्षेत्रफल कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहले हम इस तरह से एक टाइल का क्षेत्रफल ढूंढेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल 288 स्क्वायर सेंटीमीटर है। दीवार को सजाने के लिए बन्नो ने ऐसी कुल 48 टाइलों का इस्तेमाल किया है, इसलिए दीवार का क्षेत्रफल होगा 288 × 48 13,824 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब बब्बन ने बन्नो द्वारा सजाई दीवार देखी तो वो बहुत खुश हो गया और उसने बन्नो को उनके कमरे को इतनी खूबसूरती से सजाने के लिए धन्यवाद कहा। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के क्षेत्रफल एरिया ढूंढने से संबंधित और भी मजेदार उदाहरणों को देखा।